अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अदनान व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने मकान तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, वो वाली दीवार वहां से कंप्लीट है, ये वाली थोड़ी सी रह गई है। आज शाम को यहां पे खिड़की और यहां पे इंशाल्लाह दरवाज़ा रखेंगे, तो कल परसों हमारी छत है इंशाल्लाह। तो ये बाकी यहाँ से ये हवेली है, तो ये साथ साथ कम्प्लीट हो जाएगी। ये हमारे कानी शहर की मेन मार्केट है, जिसमें से अभी हम गुज़र रहे हैं। मैं आपको जाता हूँ कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ साथ रहेगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चलिए आगे चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं कानी BIU हॉस्पिटल, मरकज़ी बुनियादी मरकज़ सेहत कानी, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है, तो उसके बाद हम आगे आपको लेके चलते हैं। ये कानी बुनियादी मरकज़ सेहत है, ये यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी बिल्डिंग है, बाकी तकरीबन वो तो गिर चुकी है, उसमें तो अब वो भूत बंगला है, और ये थोड़ी सी रिपेयर किया गया है, बाकी इसका जो एरिया वो क्लच टूट गया है हमारी, ये वायर टूट गई है, ये हाजी के काम है, डॉन नंबर वन, इसने ये तोड़ दिया है। अभी यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब चलें देखते हैं क्या होता है, ऐसा गेन क्या है यहाँ। ये कहानी शहर की तंग तंग गलियाँ और गलियों में तंग तंग दुकानें और दुकानों में तंग तंग घर, और ये सारा इसका छोटा सा जो शहर है, गांव टाइप ही है, वो यही है। वो क्लच की वायर डलवाने के लिए हम आए हैं हाफिज़ ख़ान मोहम्मद जनरल स्टोर, खल खाद चोकर बोतलें जूस और नमाज कैम करो। लेकिन ये इसके साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल का काम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, नहीं हैं जी, वो क्लच की तार हो गई, टूट गई थी, वो कैसे थी थे चल जाओ। ये वायर हमें मिल गई है, हम खुद ही इसको डालने लगे हैं। ये हाजी मिस्त्री भी हैं, मैकेनिक हैं बाइक के माशाल्लाह से, तो यहाँ पे वो खुद नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप खुद डाल सकते हैं तो आप ले लें और कर लें। ये हमारे जानने वाले हैं ना, इसलिए सारा सामान जो है वो अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे पेचकस। तो किधर है पेचकस, इधर पड़ा है। अभी क्लच में वो वायर डाल ली है और हाई साहब जो है चेक करने लगे हैं, क्योंकि उसको सेट करना पड़ता है ना, तो अभी स्टार्ट करके सेट करने पड़ते हैं, वो हाथ साफ कर रहे हैं। हाई साहब जी मुकाओ देर पे होनी, सेट हो गया है, क्लच सेट हो गया जी। कितने पैसे हो गए जी जनाब? हाई भाई कह रहे हैं कि घर जाकर मजीद इसको सेट करेंगे, अभी गुजारा है। हाई साहब के पास जाना, उनसे पैसे लेने। कितने बनते हैं? वधेरा वधेरा पता नहीं है,
ये रख दें, हाफिज़ आपका सामान है, गुम गया तो फिर वो घर तक आ जाएंगे। फोन का नंबर है? हाँ नंबर है। वो भी किसी को छोड़ते नहीं है? हाँ नहीं छोड़ते, मैं जानता हूँ इनको। साबन है, साबन और पानी। हाफिज़ साहब के दुकान में कोई चीज़ नहीं, कोई भी पीने के लिए पानी है? हाँ वो दे दें, प्यास लगी है मुझे। जज़ाकअल्लाह। ये तो बहुत ठंडा है यार, बर्फ़ डाली हुई है। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ठंडा है, ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तो ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीता। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यहाँ पे, ये ठंडा ठंडा इलाका और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडा भाई। और यहाँ पे जो है फुहारा सिस्टम लगा हुआ है, ऊँचा यहाँ पे बेसिकली बाइक के साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें, इनको कोई और शॉर्ट रास्ता मिलता नहीं था। मैंने कहा कि वो दूसरे रास्ते जाते हैं, वो जो मैं पिछले ब्लॉग में गया था वो साफ रास्ता है, ज़बरदस्त किस्म का जीटी रोड है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, जो रास्ता है सारा ये पानी वाला रास्ता है। यहाँ से ये कस जो है ना, इसमें ज़्यादा जब बारिशों का पानी इकट्ठा होता है तो वो पानी सारा इकट्ठा होकर ही इस रास्ते से जाता है और सीधे जाके दरिया में गिरता है। तो ये जो रास्ता है सारा पानी ने ख़राब किया हुआ है, ठंडा पानी है, तो हम बाइक को इसमें से पार करेंगे। पानी मज़े का था, तो ये घाट के खूबसूरत मनाजर हमारी आंखों के सामने आगे खबाड़िया जा रहा है, और आई थिंक इसका बाइक पंचर हो गया या इसकी हमें हेल्प करनी। एक मिनट रुक रुक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया भैया, धक्का लगाएं, धक्का लगाना है थोड़ा मस्त पीछे पीछे आगे। अच्छा चलो, वेलकम टू मखाड़। तो हम मखाड़ पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मौसम जो है ठंडा हो गया है, सूरज के आगे बादल छा गए हैं और बहुत ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा लग रही है। भाईजान बहुत ठंडी यख हवा लग रही है, जगर तारी है नहीं, नहीं तो तारी नहीं है, नहीं ओका तो तारी है नहीं, जगर है तो तारी है नहीं, तुझे आने से मखाड़ने थी नहीं तारी नहीं है, नहीं कमाल है, चाहे तो तारी है नहीं, है चाचे को आनी है भाई, तो तारिया नहीं। हाँ क्या से ऐसा तो सारे काम आने में जब तारी मार नहीं तो मैं आप बढ़ना पास।
ये खाना खा रहे हैं कश्ती वाले। तो गाइस ये मैं अभी कश्ती के ऊपर खड़ा हूँ और ये बैलेंस है, ये इंजन लगा हुआ है इसका। सिकंदर भाई इसका नाम है। ये सिकंदर भाई है, खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। और ये इसका पंखा है छोटा सा, जो कि इसको पार लेके जाते हैं, इतना छोटा सा है। और बड़े मज़े किया यार ये। वो छोटे छोटे लड़के हैं वो सामने ये, और ये दरिया पार कर रहे हैं तैर कर। तो ये टैलेंट है यहाँ के लोगों में। तो गाइस अब हमने दरिया की सैर कर ली है और नहा भी लिया, तो अभी हम चलते हैं वापस घर। यहाँ ऊपर ये हमारा बाइक खड़ा है। तो गाइस अभी हम मदरसे में हैं, ये मदरसे जो मखाड़ का मदरसा है, शाह मोहम्मद अली मौलाना शाह मोहम्मद अली, ये लंगर खाना है उसका। ये बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत लंगर खाना है। ये बिल्कुल दरिया के ऐन ऊपर है, ये साथ ही दरिया है, यहाँ से रास्ता जाता है, ये वाला रास्ता नीचे जाता है। ये हम आए हैं इंजरा पे, यहाँ पे ये खान जो है उनकी ज़मीन है, ये सारी ये वो हर तरह की यहाँ पे फसल उगाते हैं। तो इनसे हमें बीज के बारे में कोई काम था, तो हम आए हैं अंदर। इनके बंदे मेरे ख्याल में सोए हुए हैं, तो गेट पर हमने जूं ही गेट खोला है, ये कुत्ता है ये, जो कि हमें अंदर नहीं जाने देता, पपी। और यहाँ पे इनसे काम है, लेकिन ये मेरे ख्याल में सब सोए हुए हैं, 2-3 का टाइम है। और ये कुत्ता गेट ओपन है, लेकिन हम जा इसलिए नहीं सकते कि ये जो ही हमने गेट खोला तो ये कुत्ता सामने बैठा हुआ है था, और ये यहाँ पे आ गया है। इस कुत्ते से डर लगता है, ये कोई उल्टर या नस्ल का कुत्ता है, ये ऐसा ना है कि हमें काट ले। और 125 रुपये पेट्रोल लीटर। मुझे प्यास लगी है, यहाँ मैं पानी पीता हूँ। एक कूलर लगा हुआ है, ठंडा है, वैसे यहाँ पे पानी गर्म होता है, लेकिन चलता हुआ ठंडा है। इंदिरा सिटी, अभी हम इंदिरा बाजार। क्या ले? अट्ठाईस सितंबर बरोज मंगल जामे मस्जिद प्लाट वाली तलागांग में ये मिलाद है, आप सब शिरकत फरमाएं। अभी हम वाकिया में घर जाने लगे हैं।